हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चेक्स डी कैप्सूल के बारे में, जिसका उपयोग गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज और अपच जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो आज हम चेक्स डी कैप्सूल के बारे में ही पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चेक्स डी कैप्सूल के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। चेक्सिड डी कैप्सूल के बारे में बात करें तो अरिस्टो फार्मास्यूटिकल पीवीटी एलटीडी कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें दो तरह के कंपोजिशन डाले गए हैं, जिसमें कि एसमाप्राजोल 40 मिलीग्राम होता है और डोमपेरिडोन 30 मिलीग्राम होता है। अगर हम इसके एमआरपी के बारे में बात करें तो 79 इसके एमआरपी होता है और एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल्स आते हैं। अब सबसे पहले हम इस कैप्सूल के यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं, किन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। बात कर तो पेट में अल्सर होने पर इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। पेप्टिक अल्सर को हम गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से भी जानते हैं। यह एक तरह के हमारे पेट के भीतरी परत में संक्रमित घाव होते हैं। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात कर तो अल्सर का दर्द आमतौर पर पेट के ऊपरी मध्य भाग में होता है। यह दर्द नाभि के ऊपर और छाती के नीचे होता है। अल्सर की वजह से पेट में जलन, दांत काटने जैसे दर्द, यह दर्द हमारे पीछे के हिस्से में भी हो सकता है। आमतौर पर दर्द तब होता है जब खाना खाने के बाद कई घंटों तक हमारा पेट खाली रहता है, खासकर तो रात और सुबह के समय ज़्यादा दर्द होता है। और बात कर तो अल्सर के दौरान होने वाला दर्द कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक जारी रहता है। और बात कर तो जी मिचलाना, उल्टी आना, भूख न लगना, वजन का कम होना, ये भी इसके कुछ लक्षण हैं। तो पेट के छालों को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा चेक्सिड डी कैप्सूल दिया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात कर तो एसिडिटी यानी कि पेट में जलन होने पर भी इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। एसिडिटी या पेट में जलन महसूस होना एक सामान्य समस्या है, जो मुख्य रूप से छाती या सीने में जलन पैदा करती है। यह जलन छाती के निचले हिस्से के आसपास महसूस होती है और पेट के अम्लीय पदार्थों का खाने की नली में आ जाना एसिडिटी का मुख्य कारण होता है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो उल्टी या मतली का होना, पेट का फूलना, लगातार सूखी खांसी आना, घरघराहट का होना, गले में समस्याएं होना जैसे कि गले में खराश का होना या आवाज का भारी होना, गले में लंबे समय से दर्द का होना, और बात कर तो निगलने में कठिनाई का होना, छाती का दर्द या ऊपरी पेट में दर्द, सांसों में बदबू, काला मल या मल में खून का आना, लगातार हिचकी आना और सीने में जलन का महसूस होना और बिना किसी कारण के वजन का घटना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो एसिडिटी की समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा चेक्स डी कैप्सूल दिया जाता है। और बात करें तो इस कैप्सूल का उपयोग गर्ड जैसी समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। गर्ड यानी कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज। गर्ड या इसोफेगल रिफ्लैक्स रोग एक प्रकार का पाचन संबंधी रोग है। गर्ड तब होता है जब पेट में उत्पादित एसिड, कभी कभी पेट में मौजूद तत्व आपकी भोजन नली में वापस आ जाते हैं। इस रिफ्लेक्स के परिणाम स्वरूप आपकी भोजन नली की अंदरूनी सतह में जलन होती है और इसे ही हम गर्ड कहते हैं। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो सीने में जलन का होना, जो कभी कभी आपके गले में होने लगती है और इसके साथ ही आपके मुंह का स्वाद भी खट्टा हो जाता है, छाती में दर्द का होना, निगलने में कठिनाई का होना, सूखी खांसी का होना, आवाज़ का बैठना या गले में खराश का होना, भोजन या खट्टे तरल का उल्टी के साथ बाहर आना, गले में गांठ का महसूस होना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो गर्ड की समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा चेक्स डी कैप्सूल दिया जाता है। और बात कर तो इस कैप्सूल का उपयोग सीने में होने वाली जलन को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। हार्ट बर्न, सीने में जलन को हम आम बोलचाल की भाषा में दिल की यानी कि हार्ट की जलन भी कहते हैं, जबकि दिल से इस समस्या का कोई रिश्ता नहीं होता है। इसके कुछ लक्षण
दिल का दौरा और अन्य हृदय संबंधी रोगों के समान भी हो सकते हैं। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो छाती में जलन जैसा दर्द, जो आमतौर पर खाना खाने के बाद या रात के समय होता है, लेटने या झुकने से दर्द और अधिक बढ़ जाता है। सीने में जलन का दर्द छाती के निचले हिस्से तक रह सकता है या गले तक भी महसूस हो सकता है। और बात करें तो साथ ही गले के निचले हिस्से में खट्टा स्वाद भी महसूस हो सकता है। ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो सीने में जलन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा चेक्सिट डी कैप्सूल दिया जाता है। और बात करें तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए भी इस कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। जोलिंगर सिंड्रोम एक बहुत ही दुर्लभ समस्या है, जिसमें आपके अग्नाशय या छोटी आंत की ऊपरी तरफ एक या एक से अधिक ट्यूमर हो जाते हैं। ये ट्यूमर अधिक मात्रा में गैस्ट्रिन हार्मोन का निर्माण करते हैं, जिसके कारण पेट में बहुत ही ज्यादा एसिड बनने लगता है। इस एसिड से पेट के छाले और दस्त जैसे लक्षण होने लगते हैं। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन यह 20 से 50 वर्ष के लोगों में अधिक पाया जाता है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो पेट में दर्द का होना, दस्त की समस्या होना, इसके अलावा दस्त ठीक न होना, भूख न लगना, खाने की नली में दर्द का होना, उल्टी में खून का आना और सांस लेते समय आवाज आने की समस्या होना, ये कुछ लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा यह कैप्सूल दिया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये इस कैप्सूल के यूजेस के बारे में जानकारी थी। हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस कैप्सूल का यूज किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए यूज में ले। अब हम इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप इस कैप्सूल को यूज करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बात कर तो कब्ज का होना, पेट में सूजन का होना, तेज धड़कन का होना, उल्टी या मतली का होना, पेट में दर्द का होना, दस्त का होना, पेट की गैस का होना, सिर में दर्द का होना, वर्टिको, अपज या डकार आना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस कैप्सूल को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर से ला लीजिए, ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब वीडियो के लास्ट में हम इस कैप्सूल की डोज के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से आपने इस कैप्सूल को लेना है। इस कैप्सूल को आप दिन में एक बार ले सकते हैं, सुबह खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी आप इस कैप्सूल को ले सकते हैं। अगर आप इस कैप्सूल को खाना खाने से पहले लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और पानी के साथ इस कैप्सूल को लेना होता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। यह चेक्सिट डी कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।